मनोज दे बेईमान है, एक नंबर का बेईमान मनोज दे। यहाँ पर गाइज एक औरत है, उसका सर फोड़ दिया मनोज दे ने। यहाँ पर साइड में देखो फोटो इस लेडीज का, इस लेडीज ने क्या आखिरकार मनोज दे का बिगाड़ा था, इस लेडीज का क्यों सर फोड़ दिया मनोज दे ने। गाइज इस वीडियो पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मनोज दे जो है ना काफी ज्यादा बेईमान आदमी है, एक नंबर का बेईमान आदमी है। क्योंकि गाइज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इस लेडीज का साइड में देख सकते हो, इस लेडीज का देखो मनोज दे का सपना पूरा कर दिया चाहता था, यहां पर देख सकते हो, अब तुम खुश रहो। यहां पर मनोज दे ने इनका सर फोड़ दिया। यहां पर वीडियो पर क्लिक करता हूं, देख सकते हो, यहां पर मैं वीडियो पर क्लिक किया एंड यहां पर थोड़ा सा साउंड बढ़ा लेता हूं। यहां पर देखना क्या ये लेडीज बोल रही है, सुनना। गाइस देखिए, मनोज दे ने मुझे कपार फाड़ दिया। हां गाइस, मनोज दे ने मुझे कपार फाड़ा। अरे मनोज तो मेरे घर, हमको समझाने आखिर में मनोज दे ने अपना औकात दिखा ही दिया। देखा गाइस, मतलब मनोज दे कितना ज़्यादा बेईमान है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लेडीज़ का घर, इन मैम का घर मनोज भाई साहब कब गए, कब गए और इनका कपार फोड़ दिया। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उसकी रियलिटी क्या है। इस मैम का नाम है टीच विथ प्रिया यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर फोटो दो साइड में देख सकते हो, ये इनकी बेटी है और इनका जो प्रिया जो नाम है, इनकी बेटी का नाम यहाँ पर लोगों जो देख सकते हो इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल को स्टार्टिंग किया था, यहाँ पर अबाउट पे जाता हूँ, करीबन देख सकते हो 12 मार्च 2020 को, तब मनोज भाई ने इनको एक बार प्रमोट किया था, इनके ऊपर एक वीडियो बना दी थी, जिनके कारण से इनका यूट्यूब चैनल पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल गया था, सब्सक्राइबर्स भी मिल गया था और कुछ तक एक्टिव ऑडियंस रही, ठीक है। यहां पर धीरे धीरे फर्स्ट पेमेंट भी आ गया। फर्स्ट पेमेंट आने के बाद अब क्या हुआ, इनका जो यूट्यूब चैनल है अचानक से डाउन चल गया। डाउन जाने के बाद अब काफी सारी वीडियोस ये मतलब अपलोड करने लगी, प्रिया जो इनकी बेटी है छोटी सी लड़की, वो काफ़ी दिनों तक वीडियोस अपलोड करने लगी, यूट्यूब टिप्स देने लगी, काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करने लगी, तब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने लगा। तब ये फाइनली ये जो मैडम है, यहाँ पर देख सकते हो मनोज दे ने कपार फाड़ दिया, ये मैडम जो भाई बोल रही है, ये मैडम फाइनली आई, प्रिया की मम्मी। अब ये मैडम जो आई, अब ये उटपटांग सी हरकत करने लगी भाई साहब। पहले एक क्लिप देख लो। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएगा ज्योतिश्री महतो मनोज तुमको लेने एक दिन। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, हो। देख लिया क्लिप, ये क्या बोल रही है, क्या बोल रही है यार, क्या ये मैडम कर रही है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना ज्यादा घटिया सा एकदम वीडियो बना रही है, दोनों ये हो गया मनोज दे का, मनोज दे का कपार फट गया, मनोज दे से मैं शादी कर रही हूँ, मनोज दे ने मुझे ये किया वो किया, मतलब इतना ज्यादा घटिया वीडियोस अभी क्रिएट कर रही है मैडम। मतलब ग्रो कराने के लिए, यूट्यूब चैनल ग्रो कराने के लिए कुछ हद से ज्यादा गिर जाना, इसको बोला जाता है, ठीक है। एक क्रिएटर की परेशानी अगर कोई समझता है ना, तो ये मैडम, अगर आप एक क्रिएटर हो, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा होगा, तो इस मैडम की कहानी आपको मतलब बोलोगे ना, आपको समझ में आती होगी कि एक क्रिएटर क्या क्या कुछ कर सकता है ग्रो होने के लिए। तो गाइज ये सब हो रहा है कि मनोज दे के ऊपर वीडियो बना रही है, अब मनोज दे इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे ये सोच रही है, ऐसे फफक में है, ऐसे भावनाओं पे है ये मैडम, ठीक है। ऐसे अनुमान लगा रही कि अब मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, मनोज दे के ऊपर बना रही हूँ, तो मनोज दे मुझे ऐसे कॉन्टैक्ट करेंगे, देन मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा अगेन। तो मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे कुछ के कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो मनोज दे का, आप बेकार ऐसे में कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारी ये जो वीडियो सिर्फ मनोज दे के ऊपर ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं और एक वीडियो यहाँ पर प्ले करता हूँ, देख सकते हो। देखो गाइज ये क्या कर रही है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो गाइज यही है, पागलपन की हद हो जाती है यूट्यूब पर। अगर आप एक क्रिएटर हो, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, तो आप प्लीज़ ऐसा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो भाई साहब आपका मतलब क्या से क्या हो जाएगा, चैनल स्ट्राइक आ जाएगी, क्या कोई बड़ा क्रिएटर क्या कुछ कर सकता है आपके साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो गाइज यही है जानकारी, अगर ये छोटी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।